करनाल पुलिस ने देश में ठगी की वारदातों को अंजाम देने वाले एक गिरोह के 4 सदस्यों को काबू कर लिया है। करनाल पुलिस के डिटेक्टिव स्टाफ के लिए ये बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। डिटेक्टिव स्टाफ इंचार्ज निरीक्षक हरजिंदर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि एएसआई गुरमीत सिंह की अध्यक्षता वानर टीम द्वारा 15 मार्च को मुख्य आरोपी मनोज कुमार व अर्जुन वासी बरवाला रोड रोहिणी दिल्ली को नई अनाज मंडी करनाल के पास से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपियों द्वारा अपने 2 अन्य साथी आरोपियों शिवा वासी रविनगर दिल्ली व भीमा वासी रोहिणी दिल्ली के नाम का खुलासा किया गया। इन दोनों आरोपियों को पानीपत से गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के कब्जे से 4 नकली चांदी के सिक्के, 95 नकली सोने के सिक्के, 12 मोबाइल फोन, 20 अलग अलग कंपनियों की सिम कार्ड तथा 50,000 रुपए बरामद किए गए। जांच में यह भी खुलासा हुआ कि आरोपियों द्वारा पिछले करीब 15 वर्षों के दौरान देश के अधिकतर राज्यों में ठगी की करीब 50 वारदातों को अंजाम दिया जा चुका है। इनमें हरियाणा, गुजरात, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश व अन्य राज्य शामिल हैं। आरोपियों ने खुलासा किया कि वह इन नकली सोने व चांदी के सिक्कों को दिल्ली व झांसी के सुनारों के साथ साठगांठ करके बनवाते थे और इन वारदातों को अंजाम देने में इनके परिवार के काफी सदस्य भी शामिल हैं। आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड हासिल किया गया। गैंग के अन्य सदस्यों को जल्द गिरफ्तार करने का दावा पुलिस ने किया है। जी सिंह साहब, क्या क्या देखिए, 23 फरवरी की वारदात है जो कि हमारे करनाल में एक ठरवा गांव के हरदीप सिंह थे, जिन्हें कुछ व्यक्तियों ने, जो कि बेसिकली झांसी के उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और अभी रोहिणी में रह रहे हैं और उसके बाद अभी मकान किराए पर लेकर पानीपत रहकर ये वारदात को अंजाम देते थे। इन लोगों ने नकली सोने के सिक्के बेचकर लालच देकर कि सोने के सिक्के आधे रेट में देने के आज में यहाँ नमस्ते चौक पर बुलाया और ये सोने के सिक्के नकली बेचकर और उनसे 5 लाख रुपये ऐड कर ले गए थे, जो कि ये मामला सिटी थाना में दर्ज हुआ। उसके बाद एसपी साहब ने संज्ञान लेते हुए ये मामला डिटेक्टिव स्टाफ में ट्रांसफ़र किया था और उसके बाद हमने एएसआई गुरमीत सिंह की अध्यक्षता में एक टीम गठित करके इनकी तलाश में थे और जो हमने रात इसमें सफलता हासिल की, 2 व्यक्तियों को बजीदा रोड से अरेस्ट किया और उसने उनकी जो पूछताछ में 2 और साथी बताए, उन्होंने मकान में जो रह रहे हैं उन्होंने बताया, किराए का जो मकान ले रहे पानीपत वहाँ रह रहे थे, उन्होंने भी रात अरेस्ट किया। 4 को अरेस्ट किया गया और उनके कब्जे से जो बरामदगी हमने करीब 12 मोबाइल फ़ोन, 20 सिम कार्ड और करीब 50,000 रुपया कैश और 95 जो गोल्ड के सिक्के जो नकली सिक्के बनाकर बेचते और 4 चांदी के सिक्के उनसे बरामद। कैसे ये वारदात को अंजाम देते थे, लोगों को कैसे ठगते थे? ये रूरल एरिया या गाँव में किसी आदमी को मिलते थे और उस आदमी को मिलने के बाद उनसे घी के बहाने से इन्होंने बुलाया कि हमें 1 किलो घी चाहिए, आप घी बनाते होंगे, तो उन्होंने अपना घर बताया, ठीक है अभी घी, उन्हें ये पता है कि ये घी तो घर में होगा तो इसलिए वो उनको घर का अपना एड्रेस दे देते हैं, वो घर ले जाते हैं। घर ले जाने के बाद जैसे ही उन्होंने 1 किलो घी उनको 700 रुपये में इनसे कमिटमेंट वो कर ले गए और उसके बाद कुछ दिन बाद फिर आ जाते हैं, ये घी बहुत अच्छा था हमें 1 किलो घी और चाहिए। जब वो घी लेने आते हैं तो उन्हें गोल्ड के असली सिक्के दे जाते हैं कि हमारे पास सिक्के हैं, हमें खुदाई के टाइम ये मिले थे और हम गरीब होने के नाते ना तो इनको बेच सकते हैं और हम पे शक करते हैं, तो आप ये ले लो, आपके ये काम आ जाएंगे, हमारे पास काफ़ी 3 से 4 किलो इनकी क्वांटिटी है जो 10 लाख प्लस इनकी इन्होंने कीमत बताई। तो वो भी लालच में आकर उन्होंने वो सिक्के जैसे चेक कराए सुनार से और वो सिक्के सोने के निकलते हैं और वो उनसे दोबारा फ़ोन करते हैं कि हम वो सिक्के खरीद लेंगे, बट उन्होंने अपनी जो बैकग्राउंड बताई इनके पास भी इतना वो ना होने के कारण, बट लालच में आ गए, इन्होंने अपने घर का जो पुराना सोना और गहने, अपने वाइफ का सब कुछ असंध में गिरवी रखकर और उसके बाद वहाँ से 5 लाख रुपया वहाँ से फाइनेंस करके और ये इनके साथ सिक्के का सौदा किया और यहाँ नमस्ते चौक का टाइम दिया इनको सिक्के बेचकर, इन्होंने इनको पित्तल के जो नकली सिक्के थे वो देकर इनसे 5 लाख रुपया एड कर। कहाँ कहाँ और वारदात को अंजाम इन्होंने अभी करीब 2 से 3 वारदात तो जो हमारे करनाल की बताई है, उसके अलावा कुरुक्षेत्र, शाहबाद, अम्बाला, पंजाब में करतारपुर साहिब, अमृतसर और इसके अलावा उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली की वारदातें बताइए। अभी इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा, इनका रिमांड लिया जाएगा, फिर गहनता से पूछताछ करके क्या बरामद हुआ और कहां से गिरफ्तार हुए थे। अभी 2 तो बजीदा रोड से अनाज मंडी के पास से अरेस्ट हुए और 2 व्यक्ति जो है वो पानीपत से अरेस्ट हुए, इनके पास से करीब 95 के करीब सोने के जो नकली सिक्के हैं जो इन्होंने तैयार किए थे वो है, 4 चांदी के सिक्के हैं और उसके अलावा 12 मोबाइल फ़ोन है, 20 सिम कार्ड है और 50,000 रुपये कैश है। और भी लोग जुड़े हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल, इनके रहने में और भी आदमी हो सकते हैं, अभी सारी पूछताछ की जाएगी, जितने भी सारे गैंग को इकट्ठा किया जाएगा, कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल अभी अरेस्ट कर लिया इन्हें और अभी कोर्ट में पेश किया जाएगा, पेश करके इनका रिमांड लिया जाएगा, रिमांड लेने के बाद जो भी खुलासे करेंगे वो सब। तो आपने देखा कि करनाल डिटेक्टिव स्टाफ द्वारा 4
आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। उनके कब्जे से काफी सामान बरामद किया गया है। आगे उनको अदालत में पेश कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मैं सन्नी चौधरी, समाचार एक्सप्रेस के लिए। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।